हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 6.32 ऑफ चैप्टर 6 इन गुप्ता एंड कपूर पार्ट बी। सो पार्ट बी में हमें ये गिवन है कि एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू का जो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है वो है 21 एक्स वन स्क्वायर एक्स टू क्यूब एंड इनके करस्पॉन्डिंग जो रेंज है वो है एक्स वन ग्रेटर दैन जीरो लेस देन एक्स टू इज लेस देन वन और जीरो एल्सवेयर। सो यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द कंडीशनल मीन एंड वेरियंस ऑफ एक्स वन गिवेन एक्स टू, मतलब कंडीशनल मीन हमें निकालना है एक्स वन का। गिवेन में कंडीशन क्या गिवेन है, एक्स टू इज इक्वल टू स्मॉल एक्स टू और एक्स टू की जो रेंज है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, जीरो टू वन वेरी कर रही है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन गिवेन एक्स टू इज इक्वल टू स्मॉल एक्स टू हमने लिखा, उसके बाद रेंज ऑफ एक्स वन, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन गिवेन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू डी ऑफ एक्स वन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे रेंज ऑफ एक्स वन है इसलिए यहाँ पे डी एक्स वन होगा। रेंज ऑफ एक्स वन अब इसको हम ओपन करके किस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू गिवेन एफ ऑफ एक्स टू, क्योंकि एक्स टू गिवेन में कंडीशन है तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगी। अब यहाँ पे देखिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू जो कि हमें पता है ऑलरेडी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवेन है, और साथ में हमें एफ ऑफ एक्स टू पता होना चाहिए, मतलब मार्जिनल ऑफ एक्स टू हमें पता होना चाहिए, वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे पहले जो वैल्यूज हमें पता है वो हमने पुटअप कर ली, 21 एक्स वन स्क्वायर एक्स टू क्यूब अपॉन एफ ऑफ एक्स टू डी एक्स वन, अब इसको हमने इक्वेशन वन लेट कर लिया। अब यहां से हमें निकालना होगा मार्जिनल ऑफ एक्स टू, मार्जिनल ऑफ एक्स टू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज कौन सी लगाते हैं, एक्स वन। अगर मार्जिनल ऑफ एक्स टू निकालना है तो रेंज एक्स वन की लगाएंगे, अगर एक्स वन का निकालना होता तो रेंज ऑफ यहाँ पे कौन सी लगती, एक्स टू लगती। अब देखिए रेंज ऑफ एक्स वन होगा और उसके बाद क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू और डी एक्स वन है, तो यहाँ पे रेंज ऑफ एक्स वन है तो यहाँ पे डी एक्स वन होगा। अब रेंज ऑफ एक्स वन तो यहाँ पे देखिए एक्स वन की रेंज कहां से कहां तक जा रही है, जीरो से एक्स टू तक जा रही है, तो एक्स वन की रेंज हमने ले ली जीरो टू एक्स टू ले ली। अब एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू क्या है, 21 एक्स वन स्क्वायर एक्स टू क्यूब और डी एक्स वन, मतलब कि डी एक्स वन के ही रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो 21 कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स टू क्यूब कॉन्स्टेंट हो गया, अब डी एक्स वन के रिस्पेक्ट में सिर्फ हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा क्यूब अपॉन थ्री चला जाएगा यहाँ पे, जीरो टू एक्स टू हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स टू अपर लिमिट जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स वन की जगह पे एक्स टू क्यूब हो जाएगा, जीरो तो चला ही जाएगा, थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन, थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन हुआ हमारा, तो ये आ गया हमारा सेवन एक्स टू की पावर थ्री एक्स टू की पावर थ्री, तो थ्री और प्लस थ्री कितना हो जाएगा एक्स टू की पावर सिक्स, तो ये आ गया हमारा मार्जिनल। और एक्स टू की रेंज आपको पता ही है क्वेश्चन में गिवन है कि जीरो टू वन वेरी कर रही है, तो अब ये एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे प्लेस करने के बाद हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब हमने इसकी वैल्यू जब अपने क्वेश्चन में इक्वेशन वन में प्लेस करी तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन गिवेन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू इंटीग्रल जीरो टू एक्स टू एक्स वन, यहाँ पे था 21 एक्स वन स्क्वायर एक्स टू क्यूब अपॉन सेवन एक्स टू द पावर सिक्स, यहाँ पर हमारा आया था डी ऑफ एक्स वन। तो अब हम इसको सॉल्व करें, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, तो हमें यहाँ एक्स वन की रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स टू तो हमारा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो x2 को हम क्या कर सकते हैं यहां से सॉल्व करके उसको हम बाहर भी ले सकते हैं, तो जब हम बाहर लेंगे तो हमारा बाहर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के,
3 अपॉन एक्स 2 टू द पावर कितनी हो जाएगी, एक्स 2 टू द पावर 3 हो जाएगा. इंटीग्रल 0 टू एक्स 2, अब ये एक्स 1 और ये एक्स 1 स्क्वायर है तो ये एक्स 1 क्यूब हो जाएगा और ये डी एक्स 1 हो जाएगा. इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 एक्स 2 क्यूब, फिर ये हो जाएगा एक्स 1 की पावर 4 0 एक्स 2 अपॉन 4. सो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे ये हो जाएगा 3 एक्स टू की पावर 4 अपॉन 4 एक्स टू की पावर 3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x2/4 और एक्स टू की रेंज आपको पता है 0 to 1 वेरी कर रही है. तो ये आ जाता है हमारा एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x2.